तो अच्छे रनिंग है, चढ़ते स्पीड में अंदर रखा जाता है, रनिंग कोडो के अंदर रखा जाता है, 30 भागते तो बड़े जो सबसे तेज मार रहे वही है, जो जो खराब हो जाता है, जो परफॉर्मेंस स्लो हो जाती है, तो डेक्स से एक्सचेंज बाहर कर देते हैं। तो इंडेक्स मैनेजमेंट जो एक्सचेंज कर रही है वो सबसे बड़ा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है, आप उसी को फॉलो कर लो यूनिफॉर्म ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप इंडेक्स में म्यूचुअल फंड ले लो, म्यूचुअल फंड में बहुत से अच्छे और ऑप्शन है। पेन ऑफ एक मेरे पास तो फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे को तो समझ नहीं आता कि क्या लूँ, तो इंडेक्स फंड ही ले लो। तो ज्यादातर लोगों की शिकायत यही रहती है कि इंडेक्स इतना बढ़ गया, कहीं मूवमेंट आ गई, बाकी चल रही, मेरा तो कुछ नहीं बढ़ा, मेरा स्टॉक तो वही के वही। आपने कभी इंडेक्स स्टॉक लिए हो तो बढ़ेंगे, आपने तो 25-50 का छोड़ो 200 वाले स्टॉक भी नहीं है, ले लक बीएससी 500 में बाहर जाके पीछे वाले स्टॉक लेने हैं तो उसकी ना परफॉर्मेंस पता लग सकती है। आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड, उसमें भी लोगों ने बल्टी पैटर्न ढूंढे होंगे, पैसे कमाए होंगे, बट आम आदमी को, आम निवेशक को वो समझ नहीं आ सकता। तो बेस्ट टू ट्रैक द इंडेक्स, जो सेंसेक्स और निफ्टी एक ब्लू चिप इंडेक्सेस बने हुए हैं उसके बेस्ट पे एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, ईटीएफ है, इंडेक्स बेस्ड म्यूचुअल फंड है, उनके एसआईपीज हैं, तो उन्हीं को ट्रैक करिए, सिंपल है। रोज में वो देखेंगे मजा भी आएगा, पता भी लगेगा, इंडेक्स चल रहा है तो सेंसेक्स चलेगा तो मेरा भी बढ़ेगा, सारी दुनिया को मिलेगा तो मेरे को मिलेगा, सारी दुनिया डूबेगी तो मैं डूबूंगा, मैं सबसे नहीं रहूंगा। तो इंडेक्स फंड सबसे बेस्ट फंड है, और उससे ज्यादा आपको नॉलेज है पैसा तो म्यूचुअल फंड में और भी लगाइए, और इंडेक्स फंड है, सेक्टर फंड है। तो इंडेक्स फंड इटसेल्फ बहुत ही डाइवर्सिफाइड फंड है, इसमें नहीं लगाते आपको, मुझे आपको डायरेक्ट स्क्रिप्ट भी बाई करनी है, आपको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी इक्विटी का शौक है, ट्रेडिंग का शौक है, कम से कम उसमें करिए, आप व्यू लेके करिए, डेली बेस करिए। स्टॉक फ्यूचर में करेंगे तो फिर एम टू एम लेना है और मंथली एक्सपायरी आनी है तो फिर जाएगा। पीछे बहुत से लोगों का ये हुआ कि पीछे 10 दिन ही कुछ दिन पहले पीएमओ से लेटर मार्क पर आई बड़े इन्वेस्टिगेशन में, वहाँ एक जर्नलिस्ट ने कंप्लेंट किया मेरे कुछ शेयर एक्सपायर हो गए, तो उसको पता नहीं था, उसने ब्रोकर को बोला था डिलीवरी लेने के लिए या मिसकम्युनिकेशन हुआ या क्या हुआ, उन्होंने स्टॉक फ्यूचर दे दिया, तो मंथ पे खत्म हो जाती है आपको फोटोग्राफर में। तो ब्रोकर ने रिटर्न में रिप्लाई दिया कि आपका तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया, शेयर एक्सपायर हो गए, तो जर्नलिस्ट ने अभी पीआईएल फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में कि शेयर एक्सपायर कैसे होता है, मतलब पहले ये समझा रहे हैं शेयर कैसे एक्सपायर, वैल्यू जीरो हो गया समझ में आता मैंने तो सुन लिया जीरो हो गया एक्सपायर कैसे होता है। तो इस पर बड़ा लेटर पीएमओ से मार्क होकर सभी के थ्रू होती हुई सेम के पास आई, ये एक्सपायर कैसे होता है, उसमें बोला कि इसे काइंड ऑफ ए मिस सेलिंग, क्लाइंट आस्क फॉर द डिलीवरी ऑफ 2000 एलएनटी, ब्रोकर इंस्टेड ऑफ टेकिंग एलएनटी एज डिलीवरी ही हैज टेकन द फ्यूचर, फ्यूचर का लॉट ले लिया एलएनटी का, तो एम टू एम लगते लगते लगा दो खत्म हो गया दूसरा मार्जिन था, तो डिलीवरी का उसका पैसा क्लाइंट का दिया हुआ था, डिलीवरी नहीं दी, क्लाइंट का क्लेम कुछ और है, मैंने डिलीवरी बोला था, ब्रोकर का क्लेम कुछ और है, वो जो सेपरेट मैटर है। आई मीन टू से कि ये चीजें समझने की जरूरत है, कई बार आपको ब्रोकर बोलता है यार डिलीवरी क्यों ले रहा है, मैं इतने मार्जिन में इतने कमीशन तो तेरे को एलएनटी में लेनी है ना, इसी में क्या नहीं बनेगी, एलएनटी का जो भी मूवमेंट है वो तेरे को इसी में मिल जाए, क्यों ले रहे हो, तो ये आपने डिसाइड करना है कि आपको मंथली पे इन्वेस्ट करना है या डिलीवरी लेके करना है। तो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग भी खराब नहीं है, म्यूचुअल फंड भी अच्छे हैं, बट फर्स्ट ऑब्जेक्टिव शुड बी साउंड लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म, स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म नहीं है वो अलग है, वो ट्रेडर्स का सीन है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट अलग कर लीजिए। अगर आप ट्रेडर है तो मैंने सब कुछ भी है ट्रेडर, तो वो सबको शर्माती है बोलने में, कोई कहना नहीं चाहता मैं सत्यवादी हूँ, स्टोरिया हूँ, बुकी हूँ, तो सब बोलते हैं मैं कोई इन्वेस्टर हूँ, ट्रेडिंग रूम में जाके बोलते हैं कि कॉल का क्या भाव चल रहा है कुछ क्या, अरे इन्वेस्टर ने कॉल कुछ के भाव से लेना क्या है, डाउनलोड कहाँ बंद हुई, सिंगापुर निफ्टी कहाँ बंद हुई, उससे क्या करना है, तो ये सारी चीजें उसे समझ नहीं जरूरी जुड़ता है, अदरवाइज पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो रहा है। इवन इफ वी आर रिक्वेस्टिंग वेरी हार्ड टू द गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अभी तो है पॉलिसीज मोर इंड्यूस टू द इन्वेस्टमेंट, इवन एसटीडी रेट्स आर अलाइन टुवर्ड्स फेवरेबली टुवर्ड्स द अटर्न प्रोडक्ट्स रादर देन द डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग, सो एज इट इज आवर डिलीवरी इज टू स्ट्राइव फॉर द इन्वेस्टमेंट कल्चर, सो द नंबर ऑफ इन्वेस्टर कैन ग्रो, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट ग्रोइंग, नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स आर नॉट ग्रो, वी वांट द ग्रोथ इन द डीमैट अकाउंट इन द लाइन ऑफ दिस जर्नियन योजना, इस स्केल की ग्रोथ होनी चाहिए, आगे हर चीज के लिए काम चाहिए, लेकिन इन्वेस्टर नहीं आ रहे, और रूरल और सेमी रूरल एरियाज में तो कंटिन्यूअली पीपल आर इन्वेस्टिंग इन गोल्ड एंड रियल एस्टेट, गोल्ड एंड रियल एस्टेट, अपार्ट फ्रॉम आवर फाइनेंशियल सिस्टम फ्रॉम कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड डजंट सर्व एनी पर्पस, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड में इन्वेस्टमेंट से कंट्री को कोई दिक्कत, गोल्ड इंडिया इज इंपोर्टिंग, इंडिया इज द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ द गोल्ड,
कंट्री की इकोनॉमी पे भी, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पे भी बैलेंस पड़ता है. तो नीड ऑफ एजुकेशन इन द रूरल एंड अदर एरिया, तो दीज आर दी कंसेप्ट. फर्स्ट देयर इज अ नीड टू ब्रिंग दोस पीपल इन दी मेन फाइनेंशियल सिस्टम. स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड तो बात की बात है. पहले तो आधे से ज्यादा हिंदुस्तान को तो फाइनेंशियल सिस्टम का पार्ट ही नहीं है. कल्याण योजना में बैंक अकाउंट आया, पहले बैंक तो में जाए, एफडी तो करे, आरडी तो करे. नेक्स्ट स्टेज इज म्यूचुअल फंड, इक्विटी मार्केट, बॉन्ड्स, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट. सो गवर्नमेंट हैज गिवन ए टास्क एंड बीएससी हैज शोड आवर नेक्स्ट 5-10 ईयर स्ट्रेटजी एस एक्सचेंज वी विल प्रोजेक्ट स्टॉक मार्केट एज ए इन्वेस्टमेंट वैल्यू. बट स्टॉक मार्केट एज ऑफ नाउ चेंजेस हैज बीन स्टेम्ड एज ए ट्रेडिंग एंड स्पेकुलेटिव वैल्यू. So we want to change the image of the whole industry so the more and more investors can come and understand the things. Thank you. लंच के बाद रहा तो मैं दोनों हाथ ऊपर कर देता हूँ, लंच
बराबर बराबर समझ में नहीं आया स्टूडेंट, उसने पुराने फिर से पूछा कौन से ऐप, और मैंने बोला दोस्त जहाँ मन किए वहाँ ले लो, मेरे सामने देखने लगा उसको लगा ये आगे पागल है, उसको मालूम पड़े। लेकिन ऐसा हमारे साथ भी होता है, अगर यहाँ पे ऑटो में बैठ गए और ऑटो वालों ने हमें अगर पूछा कि आपको कहाँ जाना है, तो मैंने कहा कहीं भी ले लो या पता नहीं है, अगर मैंने ये कह दिया कि पता नहीं है तो ऑटो वाला क्या करेगा, घुमाएगा, दो चीज करेगा, या तो बाहर निकालेगा, लेकिन ज्यादातर जैसे आपने कहा वही संभावना है घुमाएगा। वो क्यों घुमाएगा पता है, क्योंकि वो उसका गोल है। ये आप प्लीज लिख ले, जो लोग खुद के गोल्स के लिए काम नहीं करते वो दूसरों के गोल्स के लिए काम करते हैं। ये बहुत ही जरूरी है कि हमारे खुद के एक गोल्स बने हुए हो, एक लिस्ट बनी हुई हो, हमारी कौन कौन सी जिम्मेदारियां है, हमारी कौन कौन सी ख्वाहिश है जिसके लिए हम संपत्ति इकट्ठा करना चाहते हैं, ये बनी हुई नहीं। एक इंसान था अरोज सुबह उठ के भगवान को प्रार्थना करता था, भगवान आज मेरी लॉटरी निकाल, हर रोज सुबह ये करते रहता था, एक दिन हफ्ता महीना बारह महीने हो गए, कि पांच साल दस साल ग्यारह साल बाद भगवान परेशान हो गए, भगवान प्रकट हो गए, भगवान कहते हैं लॉटरी की टिकट तो करी। हम सभी लोग के साथ यही होता है, और जो भी मैं ये कहता हूँ टीवी शोज की बात, जिन्होंने टीवी शोज कर लेता हूँ ऐसे लेक्चर्स के लिए भी लोग बुला लेते हैं जाके बोल देता हूँ, और यही होता है। तो जब मैं गोल्स की फाइनेंशियल गोल्स की बात करता हूँ तो मैं ऑडियंस को पूछता हूँ कि आप मतलब यहाँ पे दो हाथ ऊपर गए जिन्होंने एक लिस्ट बनाई हुई है, लेकिन कितने लोगों को पता है कि फाइनेंशियल गोल्स के लिस्ट बनाने की जरूरत है, मतलब बनाए नहीं है लेकिन पता है, वो लोग उतने लोग ऊपर हाथ कर दे कि हाँ आपको ज्यादातर लोगों को ये पता है कि अगर हमें संपत्तिवान बनना है, अगर हमें पैसे की जरूरत है तो हमें उस तरह संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए ताकि हमारी नजर उस पर रहे, एक फोकस रहे। और फिर भी हम ये क्यों नहीं बनाते, क्योंकि इसमें हमारा जो दिमाग हमारा जो मन है वो बहुत परेशान होता है। ये मन जो है ना, वो विवेकानंद जी की बात की राव साहब ने हम मुझसे पहले 150 साल पहले, तो विवेकानंद जी ने ये मन की तुलना एक बंदर से की। किस प्रकार का बंदर, वैसा बंदर जिसने दारू पी रखा, उस दारू पिए हुए बंदर को अगर बिच्छू ने काट लिया और उसके अंदर एक अहंकार का राक्षस हो, अभी वो बंदर को कंट्रोल करके दिखाया। और वैसा ही होता है जब गोल्स बनाने के लिए बैठते हैं तो मन यहाँ वहां भागते रहता है, कूदते रहता है, बहुत सारी परेशानियों में मन कर रहता है। लोग कहता है व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग माइंड इज अ प्रॉब्लम, ये हकीकत है, ये बहुत परेशान करता है। लोग हमें अलग अलग बहाने देते हैं, जब मैं कहता हूँ गोल्स की लिस्ट बनाए ऑफिस में दफ्तर में, हम मेरी दफ्तर में जब लोग आते हैं पत्नी साथ में आते हैं तो दोनों को मैं एक लिस्ट कागज देता हूँ, मतलब लिस्ट बनाओ, दोनों के लिस्ट अलग होते हैं, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, मैंने कहा ये आर्ग्यूमेंट के लिए जिम्मेदार मैं हूँ लेकिन बनाओ तो सही। फिर क्या बहाने आते हैं, गौरव अभी तो निवेश करना चालू कर दो बाद में बना, ये गौरव ये छोटी रकम है ना उससे कोई गोल्स वोल्स नहीं बनाने, अभी फटाफट निवेश कर लो, ये अगले साल जब आएंगे तब बना दें, या तो मुझे बराबर समझना है, इसलिए मैं छोटे छोटे बेबी स्टेप्स ले रहा हूँ, एक दफे बराबर समझ आ जाए बात, ये सब बहानेबाजी है। आखिर में हमें निवेश करना है क्योंकि ये हमारे भविष्य की जिम्मेदारियां है, ख्वाहिश है। इसलिए मैंने सोचा कि एक आसान सा तरीका दे दूं, ये ऑलरेडी यहाँ पर उन्होंने बता दिया है, मैं और भी एक तरीका दिखाता हूँ, ये भी एक तरीका है। ये आप क्या करें, आज आप घर जाए, सेल्फी का जमाना है तो सेल्फी ले लें पूरे फैमिली के साथ, आपका फोटोग्राफ, आपकी बीवी का फोटोग्राफ, बच्चे है तो उनका, और जो ख्वाहिश है उसके उसको बाजू में हर एक जगह पर लिख दें, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया है हर एक लोग का, और एक फोटोग्राफ है वो भी आपको दिखाता हूँ, ये प्लीज आप करें यार। ये चाहे तो इसका भी फोटोग्राफ आप ले ले, प्लीज ले ले, और जैसे पूरी फैमिली का एक फोटोग्राफ है, मुझे पता नहीं पीछे दिखता है कि नहीं, हालांकि वहां पे एक एलसीडी है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन ये आपके फैमिली का पूरा एक फोटोग्राफ ले ले और उसमें लिख दे, इलेक्ट्रॉनिकली अगर लिख सकते हैं तो जैसे यहाँ पे मैंने वो थोड़े बहुत वो पोस्टिट जैसे स्लिप बनाए हैं वो बना ले, या जिस तरह भी आपको सहूलियत हो उस तरह आप कर ले, लेकिन ये
बना दे और ये फैमिली के साथ में बनाए तो क्या होगा कि फैमिली की इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी। जब फैमिली का साथ मिलता है किसी भी प्रवृत्ति में, कोई भी एक्टिविटी करते हैं जब फैमिली का साथ मिलता है तो क्या होता है, ये पूरी जो यात्रा है हमारी वो बहुत अच्छी हो जाती है, सबका कमिटमेंट है तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये जब कर लेते हैं, गोल्स लिख लेते हैं तो एक फोकस आ जाएगा और इसे इसको इस जगह इस तरह रखें कि आप भरोस देखे। या तो फोन में ऐसे वो डीपी कहते हैं, मेरी बेटी को डीपी, वो फेसबुक पे डीपी रहता है और जो है वहाँ वो उसको डीपी का फुल फॉर्म डिस्प्ले पिक्चर, हाँ वो मुझे नहीं पता था, उसने सिखाया मुझे, तो वो डिस्प्ले पिक्चर की और कर ले अगर बुजुर्ग है और आपको अगर वो सब नहीं ठीक लगता है तो उसका प्रिंट आउट निकाल के या तो हमारी अलमारी है उसके अंदर रख दे या कहीं भी रख दे, लेकिन उस तरह करे जिससे आप हर रोज देख पाए। इससे क्या होगा कि आपका एक फोकस आ जाएगा। उसके बाद में आप जो भी फाइनेंशियल स्टेप्स लेंगे वो सभी ये जिम्मेदारियां और ख्वाहिश को ध्यान में रखते हुए, तो पूरा एक परिवर्तन आ जाएगा आपकी लाइफ में, आपके निवेश, आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, आपके के लिए, आपके गोल्स के लिए। मेरा ज्यादातर क्या होता है कि हमने ये तय नहीं किया होता कि हमें निवेश किस लिए करना, तो हमारा निवेश एक जगह रहता है और हमारे जो गोल्स है वो किसी और जगह रहते हैं। और फिर निवेश किस तरह होता है जो प्रश्न हमें आते रहते हैं, जैसे कि अगर टीम पे शो कर दिया या वाचकों के प्रश्न कभी कभी आते हैं, ईमेल आ जाता है, तो ये प्रश्न रहता है कभी मार्केट कैसा रहेगा, कितना रिटर्न रहेगा, गोल्ड में ऊपर जाएगा, गोल्ड नीचे जाएगा, फेड का क्या होगा, मतलब बाहर क्या हो रहा है उसके प्रश्न आते हैं। मैं उन लोगों को पूछता हूँ कि कभी आपके बेटे को आपने बताया कि बेटे अभी मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में एक साल के बाद बढ़ोतरी होगी, तो ये तीन महीने बाद जो आपकी शादी है उसको रोक देते हैं, एक साल बाद शादी कर देते, कभी कहा है किसी ने? नहीं कहते। अगर बेटी घर पे आई है डिलीवरी के लिए आई है तो किसी ने कहा कि बेटी डिलीवरी जरा डिले कर दो, वो इंफोसिस में बोनस आने वाला है? ये संभव है? हमारी जो जिम्मेदारियां है वो हमें पूरी करनी है, वो जिम्मेदारियां हमारी है। अगर बेटी की शादी है, बेटे की पढ़ाई है, तो ये तो पूरी करनी ही है। फेड का रेट बढ़ा या कम हुआ, गोल्ड ऊपर गया या नीचे गया, इक्विटी मार्केट में जो तेजी हुई मंदी हुई, हम उसे डिफर नहीं कर सकते। हमें जब पैसे की जरूरत है तो अभी जरूरत है ही, तो हमारा निवेश एक्सटर्नल कंडीशंस को देख के, कि हमारा जो भी निवेश है या कोई भी हम जो फाइनेंशियल स्टेप्स वित्तीय स्टेप्स लेते हैं वो हमारी जरूरतों के हिसाब से, ये बहुत जरूरी है। और इसके लिए ये फाइनेंशियल गोल्स बनाने जरूरी है, और अगर गोल्स की वो पूरी लिस्ट बनाने में फैमिली कमिटमेंट नहीं बनती है, इसके लिए मैंने ये बहुत आसान सा तरीका दिखाया, इसका प्लीज आप इस्तेमाल करें। और अगर चाहे तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, मैं बाद में आखिर में आपको मेरा ईमेल आईडी दे दूंगा, अगर आप मुझे आपका ईमेल, आपका फोटोग्राफ और ये गोल्स भेज दें तो मैं आपको ये बना के ऐसे ऐसे भेज दूंगा नए साल के तोहफे के तरह। लेकिन मैं इतना ही बनाऊंगा, फिर ऐसा बन जाए इसके लिए आमदनी भी करके दे। डर लगता है वो मेरे शहर की और एक जगह बता दिया था, फिर वो उसका बड़ा ईमेल आ गया, फिर पूरा प्लान बना के देखो, फिर वो हाथ देते पूरा पूरा। मैंने सोचा मैं गुजराती हूँ, लेकिन यहाँ हाँ यहाँ भी मारवाड़ी कम्युनिटी लोग, तो ये मैं बना के दे दूंगा, एक हफ्ते दस दिन के अगर भेज दे, क्योंकि बाद में नए साल में रिव्यूज वगैरह होने से बिजी हो जाऊंगा, तो आप प्लीज भेज दे, आखिर में मेरा ईमेल आईडी दे दूंगा, अगर भूल गया तो मुझे याद करा दे, लेकिन प्लीज ये कर दे, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। और इसमें मैं आपको अलग अलग तरीके बताने वाला हूँ जिससे कि जो बंदर है ना हमारे अंदर बैठा हुआ उस पर कैसे काबू पाया जाए, जिस दिन उस पर आपने काबू कर लिया ना उस दिन से आपकी संपत्ति आपके लिए काम करेगी। आज आप पैसों के लिए काम करते हो, तो हम जब पैसों के लिए काम करते हैं तो पैसा हमारा मालिक, हम उसके नौकर बन गए, लेकिन जिस दिन पैसा हमारे लिए काम करेगा ना तो हम पैसे के मालिक, वो हमारा गुलाम, वो हमारा नौकर। आप लोगों को पैसे का गुलाम बनना है, नौकर बनना है, या पैसे का मालिक बनना है? मालिक बनना है तो इस तरह काम कीजिए कि पैसे पैसा आपके लिए काम करे, आप पैसों के लिए काम ना करें। और इसे अलग अलग तरीके, जैसे कि मैंने ये गोल्स के बारे में बात की, अभी जब निवेश करें
वो जो चार्ट मैंने बनाया था, तो अगर जैसे आपने गोल्स लिख दिए हैं उसके नीचे उसका नाम भी लिख दिए कि कौन सा पार्ट, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं मैं, उदाहरण देता हूं मैं कि समझिए एक साल के बाद हमें घूमने जाना है, कहीं भी जाना है, यूरोप जाना है, सिंगापुर जाना है, और अगर फैमिली के साथ में बैठ के एक फाइनेंशियल प्लान बना लिया और सोचा कि अगर सिंगापुर घूमने जाना है तो एक रिकरिंग डिपॉजिट चालू कर दी, तो उसे ये ना कहे कि मैंने रिकरिंग डिपॉजिट चालू की, उसे ये कहे कि सिंगापुर रिकरिंग डिपॉजिट चालू, सिर्फ एक नाम दे दे और ये गोल्स के नीचे लिख दे सिंगापुर रिकरिंग डिपॉजिट। अगर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर बैंक खोल दी है आपने ये रिकरिंग डिपॉजिट, तो स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर सिंगापुर रिकरिंग डिपॉजिट कुछ कर दे, फिर फैमिली की कमिटमेंट देखेगा, पूरी सिचुएशन बदल जाएगी। अगर निवेश करते हैं कोई म्यूचुअल फंड में, इक्विटी फंड में निवेश करते हैं 8-10 साल के बाद बेटे की शादी के लिए अगर आप निवेश करते हैं, क्योंकि बिरला म्यूचुअल फंड यहाँ के स्पॉन्सर है तो उनके फंड का नाम है बिरला इक्विटी फंड, हालांकि कोई भी फंड कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर बिरला के लिए नहीं, लेकिन अगर बिरला इक्विटी फंड में निवेश कर रहे हैं तो ऐसा ना कहें कि मैं बिरला इक्विटी फंड में एसआईपी कर रहा हूँ। अगर बेटे का नाम पराग है तो ये कहें कि पराग मैरिज इक्विटी फंड। फिर देखिए फैमिली की कमिटमेंट, हमारे वहां क्वार्टरली रिव्यू करना जरूरी है, हम हमेशा कहते हैं कि जो क्लाइंट्स है वो हमेशा हर 3 महीने 3 माह हमारे पास आते रहे और रिव्यू करते रहे, तो हम ये इंसिस्ट करते हैं कि पति पत्नी साथ में आए, और अगर बच्चे थोड़े बड़ी उम्र के हैं तो हम उन्हें भी बुलाते हैं, तो जब डिस्कशन होते रहता है अलग अलग चीजों पर डिस्कशन होते रहता है कि अगले 3 महीनों में मतलब कोई आमदनी में कोई बढ़ोतरी या कटौती होने वाली है, कोई एक्टिव मैच्योर होने वाली है, कोई बड़े खर्च आने वाले, हर एक पे होता है और ये इन्वेस्टमेंट पे भी होता है, तो ऐसा कई दफे जो हाउसवाइफ है वो भी कहते थे कि वो जो पराग मैरिज इक्विटी फंड में उसके एसआईपी पड़ा है, क्यों, क्योंकि उनका कमिटमेंट बढ़ गया है, उन्हें इसमें ज्यादा इन्वॉल्व वो होना चाहते हैं, क्योंकि वो देखते रहते हैं कि धीरे धीरे पैसे बढ़ रहे हैं तो उनकी उन्नत प्रगति हो रही है, तो जहां पे प्रगति होती है, जहां पे हमें सफलताएं मिलती है, तो हमें वो काम ज्यादा करना अच्छा लगता है, तो जैसे जैसे एसआईपी बढ़ते जाते हैं धीरे धीरे तो उनके जो लक्ष्य है वो आसानी से वो सिद्ध हासिल कर पाते हैं, तो ये फैमिली की जब कमिटमेंट रहती है ना तो ये पूरी फैमिली एक्टिविटी हो जाती है, फिर जब हम क्वार्टरली रिव्यू करते हैं तो फैमिली बड़ा उत्साही हो जाता है, जो ज्यादातर क्या देखने में आया कि यहाँ पर भी देखें तो महिलाएं कम है, ज्यादातर पुरुष वर्ग आया है, महिलाएं आती नहीं है ऐसे सेमिनार्स में, उनका कमिटमेंट नहीं रहता, लेकिन ये अभी तो हम लोग जॉइंट फैमिली सिस्टम तो चले गए अलग अलग रहते हैं, तो ये जरूरी है कि महिलाएं भी इतना इंटरेस्ट लें, क्योंकि मैं 2-3 रियल लाइफ सिचुएशन बताऊंगा और ये अभी धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, जैसे कि जो हस्बैंड थे उन्हें पूरी चीजें मालूम थी लेकिन उनको ये बीमारी हो गई, सीवियर बीमारी हो गई, अभी वाइफ जो है उन्हें पता ही नहीं था पूरे की पूरी इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो अभी कहाँ जाना, किस तरह करना, कैसे वो पैसे है, क्या है, तो पति की ट्रीटमेंट के लिए पैसे कहाँ से निकालना वो पत्नी को पता ही नहीं, क्या क्या फायदा हो वो निवेश का, हम हमेशा कहते हैं कि सबको फैमिली को पता होना चाहिए, और बच्चे भी एक उम्र हो जाए तो उन्हें प्लीज बताए, लोग मुझे अक्सर ये सवाल करते रहते हैं कि गौरव जी ये कौन सी सही उम्र होगी बच्चों को पैसे के बारे में जानकारी देने के लिए, बैंकों के बारे में जानकारी देने के लिए, तो मेरा एक बहुत सरल सा उत्तर रहता है कि उनको शॉपिंग मॉल में ले जा रहे थे 1 दिन पहले, मुझे कोई कभी भी ऐसा नहीं पूछता कि बच्चों को शॉपिंग मॉल में ले जाने के लिए उम्र कौन सी सही है, बैंक में ले जाने के लिए कौन सी सही उम्र ये जानना है, उसका मतलब क्या हुआ कि शॉपिंग मॉल में ले जाने से बच्चे बिगड़ नहीं जाते, बैंक में जाने से बिगड़ जाते हैं, और फिर कहते हैं बच्चे जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार बच्चे नहीं है, जिम्मेदार माँ बाप नहीं, तो उन्हें अलग अलग तरीके से, हालांकि हम ये नहीं चाहेंगे कि हमारी पूरी जो वित्त परिस्थिति है उनके बारे में पूरी जानकारी उनको दे दें, तो कभी डर भी लगता है कि वो बराबर जिम्मेदारी को कुछ संभाल ना पाए, लेकिन थोड़ी थोड़ी चीजें तो हो सकती है, मेरी 14 साल की बेटी है, वो जब 8-9 साल की थी तो बैंक में मैंने उन्हें एक रिकरिंग डिपॉजिट चालू करवा दी, मैंने कहा कि हर महीने जाए आप उसके ग्रुप पर 100 रुपये से चालू किया, फिर वो स्लिप बुक भरवाते लेके आती थी, पर स्लिप बुक भरती थी, पैसे डिपॉजिट करवाती थी, 2-3 दिन के बाद वो पासबुक अपडेट करवाते लेके आती थी, तो उसे बैंक में भी जाने में डर नहीं लगता था,
जिस आसानी से वो शॉपिंग मॉल में जा पाती है उतनी ही आसानी से वो बैंक में जा पाती है। और अभी पिछले 3-4-5 महीने पहले उसने गलती कर दी, उसने उससे बुक पे गलत अकाउंट नंबर लिख दिया। अभी जो बैंक जो है मेरे घर के नीचे है, 40-45 साल से मेरे वही बैंक में अकाउंट है, तो बैंक में सभी लोग पहचानते हैं, उनका फोन आया, उन्होंने कहा कि क्या है गलत नंबर लिखा है तो अब मैं रेक्टिफाई करता हूँ। मैंने कहा मत करो। तो बोलते क्यों? मैंने बोला मत करो, वो जब 3-4 दिन के बाद आएगी तो आप बोलो कि नहीं ये कुछ गलती है, पिताजी को बुला के ले आओ। तो वैसा ही हुआ, उसने डरते डरते ऑफिस फोन कर दिया, बोले पापा गलती हो गई है तो आपको बुलाया है। तो मैंने बोला ठीक है चलो कल शनिचर है तो मैं चला जाऊँगा। तो मैं चला गया उनके साथ और फिर उसको डर लग रहा था, वो बैंक वाले डांटेंगे मुझे, जेल में डाल देंगे, मैं कुछ बोला नहीं। मैं बोला देखते क्या होता है वहाँ जाके, मैं तो सोफे पे बैठ गया, बोलते मेरे साथ बिल्कुल मैं नहीं मांगा, वहाँ पे जाओ। तो उन्होंने वो रेक्टिफाई करवाया। फिर मैनेजर बाहर आ गए, बोलते फिर क्या क्यों ऐसे परेशान किए? मैंने कहा कि 300 रुपये के लिए उसने गलत एंट्री की है तो उसको डर लगता है, 10 साल के बाद अगर 3 लाख रुपये की जो अगर गलत एंट्री करेगी तो मुझे डर लगेगा, तो बेहतर है कि 300 रुपये के लिए वो डर। और यही जरूरी है बच्चों को सिखाओ, क्योंकि बच्चे आज के बच्चे स्पेंडिंग पावर समझते हैं, उसे उन्हें ये जानकारी तो है कि अगर पैसे हाथ में है तो हम बहुत चीजें खरीद सकते हैं, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए और उस पैसे को संभालने के लिए और निवेश के लिए भी मेहनत करनी पड़ती है, उसका पावर भी संभाल। मेरे आगे जो भी स्पीकर आ गए उन्होंने बहुत बढ़िया बात की, ये आखिर में आने का एक फायदा होता है कि अगर आगे अच्छे बैट्समैन होते हैं तो पूरी मैच उन्होंने जीत ली है, लेकिन विनिंग शॉट मारने का मौका आपको मिल जाता है। तो वही मेरी सिचुएशन है। तो ये मैंने फाइनेंशियल गोल्स के बारे में बात की, मैंने वो किस तरह से वो एक सिंगल पेज प्लान के बारे में बात की, वो भी आप करें। फैमिली के कमिटमेंट के बारे में बात की मैंने, बच्चों को इन्वॉल्व करें, पूरी फैमिली को इन्वॉल्व करें, ये भी मैंने बात की। थोड़ा आगे बढ़ेंगे हम तो कंटेंजेंसी फंड या इमरजेंसी फंड, ये बहुत जरूरी है कि हम एक इमरजेंसी फंड बनाएं। थोड़ी बीमारी है,